इस बी टाउन हॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हम बात करेंगे स्त्री 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी हॉरर कॉमेडी मूवी का जब नाम लिया जाता है तो उनको स्त्री मूवी याद आ जाती है, जो 2018 में रिलीज हुई थी, जो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी थी, जिसे टिकट विंडो पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और अब फिल्म के सीक्वल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, जो कुछ ही महीनों में आने वाला है। और इसी के साथ मूवी की कास्ट में एक और सुपरस्टार की एंट्री होती हुई देखने को मिल रही है। साल 2018 में रिलीज हुई स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। भूतनी के रोल में श्रद्धा कपूर की एक्टिंग काफी पसंद की गई। फिल्म एक रियल एक्सीडेंट पर आधारित थी। इसके जिस तरह ने कहानी गढ़ी गई उसे लोगों ने काफी पसंद किया। मेकर्स अब पार्ट 2 के साथ हाजिर होने वाले हैं। स्त्री का सीक्वल कुछ ही महीनों में रिलीज किया जाएगा। मैडॉक फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज होने वाली स्त्री 2 का टीजर पहले ही रिलीज कर दिया जा चुका था, जिसे काफी पसंद किया गया। वहीं कुछ दिन पहले फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया था जिसमें तमन्ना भाटिया के मूव्स देखने को मिले थे और ये सभी को बहुत ही पसंद आए थे। और अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी स्त्री 2 में अक्षय कुमार की एंट्री होगी। अक्षय को कॉमेडी रोल करने में महारत हासिल है। उन्होंने भूल भुलैया, हेरा फेरी, वेलकम सहित कई कॉमेडी फिल्में की है और अब स्त्री 2 में वो एक बार फिर कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे और इसमें उनका कैमियो रोल रहेगा। और स्त्री 2 मूवी 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।